की रात भी अल्लाह ताला का अर्श हिल उठता, हिल जाता। और शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है, कचहरी लगाता है रोजाना। शैतान सब कुछ क्या करके आया है, चोरी करवाया, डाका डलवाया, से लड़ाई में जिना करवाया, नमाज नहीं पढ़ने दी, जुआ खिलवाया, बिल्कुल ठंडा रिस्पॉन्स। पीछे तो ये भेड़ा सा शैतान खड़े होकर कहता है कि मैंने मियां बीवी को लड़ाया, उधर उसको गले लगाता है, तो प्रोटोकॉल लेता है, उसे अपने पास बिठाता है और कहता है मैं काम करके आया, तुम क्या करके आए हो। मियां बीवी की लड़ाई नस्लों को बर्बाद कर देती है, खानदान खत्म हो जाते हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तो अपनी नस्ल को दीन सिखाने के लिए तुम्हें मस्जिदों की जरूरत है, तुम्हें मदारिस की जरूरत है, तुम्हें अपने स्कूलों की जरूरत है। आपस में इसलिए चंदे इकट्ठे करो, इसके लिए फंड रेजिंग करो, बाहर से आने वालों से ज्यादा तुम इसके जरूरत काम दो। ये तुम्हारा देश है, तुम्हारा वतन है, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। हर कोई आया था कमाई करेंगे वापस चले जाएंगे, कमाई करेंगे वापस चले जाएंगे। तौबा तौबा। एक बात सुनाने लगा कोई प्रधान भाई बैठा तो नाराज ना, पहले माफी मांग ले। एक प्रधान का खरगोश गुम हो गया, एक प्रधान का क्या हो गया, एक प्रधान का खरगोश गुम हो गया। तो लोगों ने अफसोस किया, खान साहब अफसोस की बात है, आपका खरगोश गुम हो गया। उनका बाबा किधर नहीं जाएगा, उसको नुस्वार लगा दिया है, घूमेगा इधर ही आएगा। अब तुम्हें फ्रांस ने नुस्वार लगा दिया, हमारी नस्लें सोच भी नहीं सकती वापस जाने। यादा इसे अपना मुल्क समझो, इनके पास पासपोर्ट है जो उनका मुल्क, जो पासपोर्ट बनवाने की कोशिश में उनका मुल्क है, जिनके पास कागजात है, जिनके पास कोई यहाँ का कार्ड है, उनका मुल्क है। इस मुल्क के उतनी ही खिदमत करो अपना समझकर, इसके साथ पूरी वफा करो अपना समझकर, और तुम्हें अपना समझते उन्हें अपना समझो, उनको धोखा ना दो, उनके साथ बदहरी ना करो, उनके साथ फ्रॉड ना करो, टैक्स चोरी ना करो, टैक्स दो, क्योंकि ये टैक्स तुम पे लगाते हैं। हमारे यहाँ तो टैक्स चोरी इसलिए क्योंकि लगाते नहीं, वो खा भी आते हैं, मध्यान भी करते हैं, लगाया जाता है। और पाकिस्तान में प्लाट खरीदने छोड़ दो, वरना तुम सारी जिंदगी वकील के वकील रहोगे। पाकिस्तान में जमीन पड़ जाए, पाकिस्तान में प्लाट पड़ जाए, ये सोच चलकर यहां अपनी नस्ल को यहां यहां रखने की तरतीब सोचो कि ये मुसलमान बन के रहे, मोमिन बन के रहे, मोमिना बन के रहे, मुत्तकी बन के रहे, तकवे वाले बन के रहे, मुल्क के लिए मुकीज बन के रहे, धोखे से पाक हों, जिना से पाक हों, शराब से पाक हों, जुए से पाक हों, ड्रग से पाक हों, ये हम यहाँ करके जाएंगे। एक तबलीग का काम है, तुम तबलीग में जाओ तो बहुत बड़ा मजमा हो। मैं चार महीने की नियत तुमसे करवा तो नियत कर लो सारे के, इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा चार महीने लगाएंगे, ठीक है ना। अब एक छोटी सी तशकील करता हूँ, हर महीने एक वीकेंड जमात है, हर महीने तीन दिन जमात में लगा, जहां हो नमाज की पाबंदी है, 24 घंटे की जिंदगी में झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। जिस तरह मैंने कहा था, मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो गुनाह नहीं कर सकता, एक झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। यहां आप तो धोखा ना दो, आपस में धोखा ना दो, उसने अपना के पैकर बन के चलो। एक चीज काबू में कर लो तो सारे अखलाक काबू में आ जाएंगे। एक 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 मेरे नबी ने फरमाया माज़ तुम्हें सारे दिन का खुलासा बताऊं, सारे दिन का खुलासा बताऊं, कहीं क्या और मुझे देखना सारे माज़ अला उम बेकर के मिला के हाजा कुल ले माज़ तुम्हें सारे दिन का खुलासा बताऊं, सारा दिन तेरी सिपारे लाखों हदीसें बताऊं, कहीं क्या क्या मुझे देखो। सुभान आपने फरमाया कुफार अपनी जबान पे काबू रखना, ये नहीं कहा इतने हजार दफा ये पढ़ना, इतने हजार दफा ये करना, और इतने नफल पढ़ना,
और इतने उम्र करना और इतने हज करना और इतने टेके चढ़ाना, ये कमाज मेरे दीन का खुलासा, पूरा दीन तेरे हाथ में आ जाएगा, इसको हाथ में कर ले, इसको हाथ में कर ले, जिसका जबान पे काबू होगा पूरी दुनिया के शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकते, जिसकी जबान लंबी होगी पूरी दुनिया के कुदरत अवतार उसकी हिदायत का जरिया नहीं बन सकते। जबान पे आहना कर लोगों को सी पी जाओ अपने लहू के घूंट पी, अपने लहू के घूंट पी, जख्म पे जख्म खा के जी, आहना कर ढगों को सी, इश्क है दिल डटी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा। आदमी की शोहरत जब होती है दुनिया में या दीन में, तो कुछ उसको गिराने वाले होते हैं, कुछ उससे मोहब्बत करने वाले। मैं जिंदगी भर मेरे दोनों कश्तियों, मैंने दोनों दोनों चीजें मेरे साथ साथ चल रही, साथ साथ चल रही, साथ साथ चल रही, तो उन्होंने मुझे एक दफा इतना तंग किया, मैं जिंदगी पर मैंने रोजा रखा, जिंदगी पर रोजा रखा, जिसने मेरे साथ पूरा किया या कोई मुंह पे कहा या पीछे कहा या कोई स्कीम बनाई, कभी 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 भी ना उनके बारे में दिल में बोझ पैदा होने दिया, ना जबान पर उनका कभी कोई शकवा लाया, ना जबान से कभी उनको कोई बुरा भला कहा, बिल्कुल पहुंच दिए। लेकिन एक दफा उन्होंने यहां तक मुझे पहुंचाया कि मेरा रोजा टूटने लगा, मैंने कहा आज मैं जरूर बोलू। आखिर एक हद होती है, ये मेरे अंदर में ना आग लगी हुई, और एक साथी ने भी कह दिया भाई साहब इतनी जिल्लत तो भी ठीक नहीं, इतने भी तो जिल्लत ठीक नहीं, वो और ज्यादा तेज दिया। मैं कहा मैं भी खाना खा के जाता हूँ, मैं इनको खबर देता हूँ, खाना खा रहा हूँ मैं आके मैं रब रहमत का कुर्बान करूँ। वो मैं काले लाहौर का वाकया याद आ गया, कहाँ से याद आ गया, कैसे याद आ गया, एक बार हॉस्टल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर निकालने का इरादा कर दिया, इसको हॉस्टल से निकालना है, उसने को बहाना तलाश कर रहा, तो उसने एक खत लिया और उस पर मोहर लगाई, और पहले वो डाक मोहर लगती थी वो काली डोग ऊपर लगा देते थे, जो पाकिस्तान सैनिकों को तो याद होगा, तो वो काली डोग लगाते थे जिससे वो खत मोहर वाला हो जाता था, खोलते थे तो पता चल जाता था, वो मोहर तोड़ उसके बगैर खत खोल नहीं सकता था। उन्होंने कहा अपने डैडी को खत दे देना, अब उसको खुद खुद लगे मुझे जाकर खोल के पढ़ लिया। असर के बाद का वक्त था, मैं बरामदे में खड़ा था, सामने आए था उतरे, और इधर इस तरफ आसिम का कमरा था, आसिम को बुलाओ खत लाओ, तो तेरे डैडी को दिया, वो तो कंबल लग गया, खत लाया तो मोहर टूटी हुई, कहने लगा ये मोहर क्यों तोड़ दी है, खत क्यों पड़ा है, तेरे डैडी के लिए लिखा था तुमने क्यों पढ़ा है, बुरा मजदूर करो जी इसका सामान उठा के बाहर फेंक दो। ये बात मुझे याद है, अंग्रेजी में है, मैंने 27 साल से मोहर लगाई हुई है, तो आज कौन तोड़ता है, मोहर ना तोड़ चुप कर जा, चुप कर जा। तो वो वाक्य से अल्लाह ने मेरे अंदर एक ताकत पैदा की, और मैंने कहा नहीं मोहर नहीं तोड़नी, कहने का चुप कर। मैं सोया तो मैंने कहा एक आदमी कह रहा है तूने जो सबर किया है इसके बदले अल्लाह के नबी का दीदार, अल्लाह के नबी मेरे सामने आ, झुक जाने सह जाने में इज्जतें छुपी हुई हैं, मेरे नबी का माशरा है, ना पूछी ना करो, बड़ा बनने की कोशिश ना करो, छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ। पता नहीं वहां से जरासीम लेकर आए हैं, फर्स्ट लेकर आए तो वहां भी इलेक्शन शुरू कर देंगे, मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, स्कूल बनाओ, और मोहम्मदी माशरा जिंदा करो, अपने बच्चों को भी मोहब्बत और प्यार से समझाना है तो समझाओ, बच्चों को भी ऐसा बोल ना बोलो जिससे वो अपनी तौहीन महसूस करे, पीरों को ऐसा बोल ना बोलो जिससे अपनी तौहीन महसूस करे,
लेकिन खान पर ऐसा बोल न बोले जिससे वो अपनी तौहीन महसूस करेगा। ये एक मुबारक जिंदगी है, इसको मेरे भाइयों संजीद किसी लोग बहुत बड़ा मजमा जमा हुआ है। अब मैं पहले भी आया हूँ फ्रांस में, लेकिन इतना मजमा मैंने कभी नहीं देखा। मैं पहली दफा देख रहा हूँ, मुझे हैरत भी हो रही है, खुशी भी हो रही है, और एक बात की और खुशी हो रही है कि अक्सर मुझे नौजवान नजर आ रहे हैं जो मेरे नबी के बाप की नर्सरी हैं, पौधे हैं। तो आगे बढ़ते खने के फूले के तरफ बताएंगे कि बड़े दरख्त से फल लेना मुश्किल होता है, छोटे को परवान चढ़ा के फल लेना आसान होता है। तो मैं अक्सरियत नौजवानों को देख रहा हूँ, ये मेरे नबी के बाप की नर्सरी हैं, फिर नबी के बाप के पौधे हैं। तुम यहाँ नियत करो कि हमने हर तरीके से हटकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर आना है, ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में लाना है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ऊपर लाना है। तुम नकल मार के पास होते हो, नहीं होते पाकिस्तान में नकल मार के पास नहीं होते, तो अपने नबी की नकल अल्लाह पास कर दे। हम राइट लाहौर पढ़ते थे, पढ़ने का शौक तो था नहीं, जो तो चाहता था मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन कभी भी शौक नहीं हुआ पढ़ने का कि ना शौक नहीं है मैं तो रोटी का लगती है पढ़ने की। और तरकीब भी ये मिलती थी डॉक्टर बनोगे तो कैसे बहुत होंगे और किस तरह बहुत होंगे, पहले भी कभी कोई नहीं हुई तो अगर सर इसके मैं डॉक्टर बनना है मैं पैसे ज्यादा कमाने तो है नहीं जब मरना ही है। ओहो तो बस अपना नकल पर मार के पास हो गया। पर एक हमारा दोस्त बराबरी मरूम बहुत हो गया, तो वो उस दिन वो गिरफ्तारी तैयार नहीं कर तो पूरी किताब जेब में डाल देगा, पूरी किताब जेब छोटी सी किताब जेब में और लंबा खुला चोला पहन गया खुला। तो मैं किधर था तो किधर वाली रो में वहां था, मैं उसको साइड से सारा देख रहा था, उसको आता जाता कुछ बारे में आता तीन तीन नंबर जो का लिख पड़ जाए तो कितने ही नंबर मिलते रहे हम। तो वो ऐसे करके बैठा हुआ और आगे उसके बाद किस्मत ही उसके ऊपर जो निगरान लगे हमारे स्कूल के सबसे सख्त टीचर आसिम साहब रखा तो गए वो उसके निगरान लग गए, उनकी नजर को काबी थी और वो बेचारा हैरान परेशान कब क्या हो। वो उधर से आते जब उधर से गुजरते जो ही उसके सामने से गुजर जाते वो जल्दी से किताब निकालने की कोशिश करता तो वो किताब की वो यहाँ फट जाती है। देख रहा हूँ किताब बड़ी हुई इतने में आसिम साहब फिर वापस आ गए फिर किताब रख के बैठ गए। फिर लोग ऐसे पास हो गए। तो मैं ये कहता हूँ तुम अपने नबी की नकल को पा वो नकल ही बन जाओ नकल ही ये बन जाओ। अल्लाह ऐसा मेहरबान है कि हर बयान में अल्लाह के नबी का नसब सुना कि मेरे जहन में ख्याल आया कि मिंबर पे बैठना हजारों के मजमों से बात करना ये अब मुझे नहीं पता। अल्लाह की कसम कि मैं अल्लाह के लिए कह रहा हूँ या अपनी माँ बाप के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे बारे में अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, इन औरतों के बारे में अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि तुम सब अल्लाह की मोहब्बत में है, लेकिन मेरे पास कोई दलील नहीं इस बात। ये जो आंख बंद होगी और अल्लाह की रजा नजर आ जाएगी तो फिर मैं कह सकूंगा कि मैं जो मिंबर पे कहता था मैं अल्लाह के लिए कहता था। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह के लिए कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन से खुफिया रास्तों से नफ्स और शैतान मुझे रिया पर बड़ाई पर गुजर पर तकबर पर ला रहे हों, नाशौरी तौर पर मेरे अंदर ये चीज पैदा हो चुकी हो। लिहाजा मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अल्लाह के लिए, हमें भी जानते हैं ये सारे उठने सारे बैठे हैं इनके बगैर मेरा भी बैठना कबूल फरमा। तो हमारा खानदानी बैकग्राउंड है जमींदार और पुश्तों से, तो हमारे कुश्ती जल्दी कुश्ती मरासी जिनको हमारे प्यो दादे के नाम याद मुझे याद नहीं याद। वो जब देने में आते हैं आते ही बस झूठी तारीफ कुल बांधते और मुझे भी पता होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं पर फिर भी इतना दिल खुश होता है उनको कुछ देख के बर्बाद करता है। और मुझे भी पता है कि इनको मुझसे कोई प्यार नहीं सिर्फ हम झूठी तारीफ करते। सबसे पहले झूठ देखो जब अंदर आते ना देने में सरदारियां कभी किसी की सरदारी कह रहे कभी किसी को सरदार सबसे पहला झूठ तो यह है सरदारियां
लेकिन अपनी तारीफ इतनी अच्छी लगती है कि वो जरूर मैं उनको दे के ही भेजता हूँ, कभी नहीं भेजता। हमारे क्यों दादे भी इस काबिल नहीं थे कि उनकी ऐसी तारीफ हो, ना हम इस काबिल हैं कि हमारी ऐसी तारीफ। और ये बोलने वाले भी अपनी गर्व से बोलते, तो मैं क्यों ना अल्लाह के नबी के प्यो दादे की तारीफ, जो खुद भी सच्चे जिनकी नस्ल की आला, जिनसे बड़ी अल्लाह ने नस्ल को ही पैदा की। तो मैंने इस नस्ल को किताबों से निकाला और इसे महफूज किया, फिर बयानों में शुरू किया, फिर मैं पहली दफ़ा जब बहुत मुबारक पर पहुँचा ये नस्ब याद करके, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास जो तबलीग है ना वो मशहूर हो चुका, क्योंकि बड़े बड़े बहनों से मेरा वास्ता है, मुझे नहीं पता कि मैं अल्लाह के लिए कहता हूँ या अपने लिए। अल्लाह मैं आज शरीयत करता हूँ कि मैं आपके दर का मिरासी हूँ, हमारे मिरासी हमारे प्यो दादे की तारीफ करते झूठी तारीफ करते।